सोनीपत शहर के एक नामी स्कूल में एकत्रित होकर अभिभावकों ने बच्चों का वार्षिक परीक्षा परिणाम रोके जाने की बात कही। अभिभावकों का कहना था कि ट्यूशन फीस के अलावा भी स्कूल प्रशासन कई तरह के शुल्क अदायगी पर ही परीक्षा परिणाम दिए जाने पर अड़ा हुआ है, जिस पर अभिभावकों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम राकेश बल्याना। हाँ सर, हम जो है ये गेटवे स्कूल के बाहर खड़े हैं, आप उनके पेरेंट्स हैं। सर, ये किस मैटर को लेके जो है आप आए हुए हैं सर, बताइए। हम तो रिजल्ट लेने आए थे सर बच्चों का। एक्चुअली फॉर्म 6 को लेकर के हमारी जो ना कुछ सितंबर से लेके इनसी के साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं स्कूल के साथ। जो फॉर्म 6 में इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, हमने उतनी फीस इनको दे दी है। अब मुद्दा है एनुअल चार्जेस का। ये एनुअल चार्जेस को मुद्दा बना करके जो ना हमारे ऊपर बार बार दबाव डाल रहे हैं एनुअल चार्ज जमा करा, जबकि DO साहब के यहाँ से इनको लेटर जारी हो चुके हैं। FFRC में केस गया हुआ है रोहतक में ऑलरेडी, के भी वो जांच करेंगे, इनका ऑडिट आया हुआ है। लेकिन ये बच्चों को पहले इन्होंने ह्यूमिलेट किया एग्ज़ाम नहीं देने के लिए, फिर वो जिस तरीके से हमने सिफारिश की CTM मैडम को और DC साहब को, तो वो हमारे एग्ज़ाम हो गए। आज रिजल्ट का डेट था तो हमें यहाँ बुला लिया और अब हमारे को रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चों पर कंसर्न ही जा रही है ना। हम इनको कहते हैं नहीं देते जी, जाओ जो कुछ करना है कर लो, जहाँ जाना चले जाओ। इस तरीके की किन से बात हुई है सर? हमारे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है। तो क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल? कह रहे हैं नहीं दे रहे एनुअल चार्ज जमा कराओ, जबकि फॉर्म 6 में इन्होंने एनुअल चार्ज का कोई जिक्र है ही नहीं। प्रपोज फीस है वो हमने सारी जमा करा दी है। तो क्या मान के चले सरकारी आदेशों की अवहेलना चल रही है? सरकारी आदेशों की तो अवहेलना हो ही रही है सर। सर, हमें किसी भी बच्चे का कोई रिजल्ट नहीं रोका हुआ है। हम पेरेंट्स से पिछले 5 महीनों से ये बार बार कह रहे हैं प्लीज़ आप फीस पे करें, स्कूल फीस करने से। आज भी स्कूल ना हमने कभी बच्चों की पढ़ाई रोकी और ना ही हमने उनके एग्ज़ाम्स को रोका। आज भी हम पेरेंट्स के साथ हैं। पेरेंट्स की कोई नीड है वो अपने व्यक्तिगत चीज़ों के लिए आते हैं तो हम के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ फीस भी दें, क्योंकि उन्हीं के फीस स्कूल चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले प्राइवेट स्कूलों का संस्थाओं का दावा था कि हम शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं, ना कि व्यवसाय करना चाहते हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, और निश्चित तौर पर किसी भी विद्यालय को, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनका मूलभूत काम है बच्चों को शिक्षित करना। तो खासकर गेटवे ने इस संदर्भ में बहुत सी पहल ली हुई है। नई शिक्षा नीति के तहत जो चीज़ें कही गई, गेटवे पहला ऐसा स्कूल है जिसने एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल या एक्सपीरियंशियल बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया। तो हमारे पास अभी आप प्री प्राइमरी से लेकर 5th तक देखेंगे तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चलती है। जो सर ने मुझसे पूछा, सर फीस के 2 हिस्से होते हैं, एक एनुअल चार्ज हो सकता है और एक ट्यूशन फीस होती है। सरकार के नियमों के तहत ये 2 अलग-अलग हिस्से हुआ करते थे। अभी तक पिछले दिसंबर में एक नियम आया जिसके तहत कंपोजिट फीस कर दी गई। उस कंपोजिट फीस में भी एनुअल फीस, एनुअल चार्जेस जिसको एनुअल डेवलपमेंट फीस कहते हैं, ट्यूशन फीस, दोनों हिस्सा है। ये दोनों ही फीस का हिस्सा है सर। तो अभी जो गतिरोध चला हुआ था वो समाप्त हो चुका है? मैं तो पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि मतलब आप हमें सपोर्ट करें, हमारी तरफ से कोई गतिरोध नहीं है। हम पिछले 5 महीनों से पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हीं की दी हुई फीस से ये स्कूल चलता है।